आज उन दो देशों की टीमों के बीच मुकाबला है जिसके बीच की भिड़ंत पूरी दुनिया देखना चाहती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बातें कर रहा हूं भारत और पाकिस्तान के मुकाबले की। तो आज एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। इस टूर्नामेंट में दोनों ही टीमें अब तक अजेय रही हैं, मतलब दोनों ने कोई भी मुकाबला गवाया नहीं है। पॉइंट टेबल में भारत नंबर 1 तो पाकिस्तान की टीम नंबर 2 की पोजीशन पर है। तो टेबल टॉपर और दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम के बीच जो आज भिड़ंत होगी उसमें किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी, ये आपको बताऊंगा। अच्छा, ये भी बताऊंगा कि ये जो आंकड़े हैं ना वो क्या कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो हॉकी के मैदान में मुकाबले हुए हैं वो क्या कहते हैं, आखिरी बार जब दोनों टीमें भिड़ी थी तब क्या हुआ था, बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में आज ग्रुप मैच में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होने जा रही हैं और इस मुकाबले में किस टीम को जीत मिलेगी इसको लेकर कयासबाजी का दौर जारी है और दोनों ही टीमों के प्रशंसक अपनी टीमों की जीत के लिए जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन रिकॉर्ड क्या कहते हैं हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक हॉकी के जो मैचेस खेले गए हैं उसकी संख्या 180 है और इन 180 मैचों में 82 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं, भारत ने 66 मैच जीते हैं और 32 मुकाबले ड्रॉ हुए हैं। तो यहां लगता है कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। लेकिन यह पुराने समय की बात है, अगर आप 2013 से बात करें, मतलब पिछले 11 सालों की हम बात करें, तो भारत और पाकिस्तान के बीच 16 मुकाबले जो है वो भारत ने जीते हैं और खेले कितने गए हैं मुकाबले 25। तो 25 में 16 मुकाबले भारत ने जीते हैं, 4 मुकाबला जो है वो ड्रॉ हुआ है और पाकिस्तान ने सिर्फ 5 मैच जीते हैं। तो यहां आपको पता चल जाएगा कि पिछले 10-11 सालों में कितना कुछ बदल गया है और जो भारत और पाकिस्तान की राइवलरी पहले हॉकी के मैदान पर देखने को मिलती थी अब जो है उस राइवलरी में भारत का पलड़ा भारी दिखने लगा है। और इसका अंदाजा आपको इससे हो जाएगा कि अभी एशियन गेम्स 2023 में जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आपस में भिड़ी थी तो भारत ने पाकिस्तान को 2-4-5 गोलों से नहीं हराया था, पूरे 10 गोल किए थे पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के खिलाफ सिर्फ 2 गोल हुए थे। तो 10-2 की बड़ी जीत जो है वो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है एशियन गेम्स में दर्ज की थी। तो जो आखिरी मुकाबला हुआ है वहां भारत जीता है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी लास्ट ईयर जो है भारत में खेली गई थी चेन्नई में, वहां पर भी भारत पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था और तब भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से, मतलब 4 गोलों से पराजित किया था। तो एक तरफा जीत थी। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि इस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान सुधरी हुई टीम दिख रही है और उसका प्रदर्शन बेहतर रहा है और वो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भी अजेय है, मतलब उसने जो 4 मैच खेले हैं उसमें 1 भी नहीं गवाया है। दूसरी तरफ भारत भी 4 मैच खेल चुकी है और उसने भी 1 मैच भी नहीं गवाया है। तो 2 अजेय टीमें हैं इस टूर्नामेंट की। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि पाकिस्तान ने मैच गवाया तो 1 भी नहीं है लेकिन जीता सिर्फ 2 है और 2 मुकाबले उसके ड्रॉ हुए हैं। जबकि भारत के साथ क्या है, भारत ने 4 के 4 मुकाबले जीते हैं, उसने
चीन को 3-0 से पराजित किया था, फिर जापान को 5-1 से पराजित किया, फिर उसने मलेशिया को 8-1 से पराजित किया और उसके बाद उसने कोरिया को 3-1 से पराजित किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम जो है वो मलेशिया और कोरिया के बीच ड्रॉ खेलने को मजबूर हुई, दो दो गोलों के बराबरी पर वो मुकाबला समाप्त हुआ। हाँ, उसने जापान और चीन को शिकस्त दी है। तो उसके अंकों की अगर हम बात करें तो उसके जो है 8 अंक हैं, दूसरी तरफ भारत के 12 अंक हैं। गोलों की बात करें तो भारत ने 19 गोल इस टूर्नामेंट में अब तक कर दिए हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अटैकिंग हॉकी भारतीय हॉकी टीम खेल रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 11 गोल जो है वो किए हैं। अब अगर हम डिफेंस की बात करें जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है हॉकी में, तो पाकिस्तान के खिलाफ इस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में 6 गोल हुए हैं जबकि भारत के खिलाफ सिर्फ 3। तो यहां पर डिफेंस भी आपको भारत का जो है वो भारी दिखेगा। और जहां तक भारत पाकिस्तान मुकाबलों की बात होती है ना, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत को ना बड़ा मजा आता है पाकिस्तान के खिलाफ खेलने में और वो पूरा एंजॉय करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सर्वाधिक 16 गोल अकेले किए हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका दबदबा कैसा है। और इस भारतीय टीम की खासियत यह है कि ओलंपिक की टीम से ये थोड़ी अलग टीम है, युवा टीम है। तो यहां पर जो युवा फॉरवर्ड है ना, आप अभिषेक की बात कर लीजिए, सुखजीत की बात कर लीजिए, अरिजीत सिंह हुंडल की बात कर लीजिए, उत्तम है। इन चारों को रोकना पाकिस्तानी डिफेंस के लिए आसान नहीं होने वाला है। और अगर आप इनको रोक लेते हैं तो फिर ड्रैग फ्लिक की बारी आ जाती है, तो वहां पर हरमनप्रीत आ जाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए काम जो है वो मुश्किल है। लेकिन यह भी बात है कि पाकिस्तान की टीम जो उसकी हॉकी है, जो उसकी एक गरिमा थी भूतकाल में, अगर हम पास्ट में बात करें, उसको वापस पाने के लिए इस बार बेचैन दिख रही है। और इसलिए लगता है कि वो पूरा जोरदार मुकाबला करना चाहती है और वहां पर अम्माद भट्ट जो हैं वो कप्तान बनाए गए हैं। लेकिन देखिए खतरा कहां है, तो जो पाकिस्तान के ड्रैग फ्लिकर हैं सुफियान खान, वो अच्छा ड्रैग फ्लिक लगाते हैं। तो एक तरफ हरमनप्रीत होंगे, दूसरे तरफ सुफियान होंगे। तो ये जो एक कंपटीशन होगा दोनों तरफ ड्रैग फ्लिकर्स के बीच में, वो भी जो है एक देखने वाली बात होगी। इसके अलावा शाहिद अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, अहमद नदीम अच्छा खेल रहे हैं। तो पाकिस्तानी खिलाड़ी भी सही समय में फॉर्म में वापसी कर चुके हैं। लेकिन भारतीय खिलाड़ी जो है वो पूरी लय में दिख रहे हैं। टीम युवा है, युवा और अनुभव का एक मिश्रण है भारतीय टीम में, और वो जो एक जिल दिख रहा है भारतीय टीम में, उससे पाकिस्तानी टीम को बचकर रहना होगा। तो जो भी हो, मुकाबला जोरदार होगा और हम उम्मीद करते हैं कि चीन को, फिर जापान को, फिर मलेशिया को और फिर कोरिया को शिकस्त देने के बाद आज पाकिस्तान की बारी है। भारत इस मुकाबले में भी जीत हासिल करेगा, ऐसे हम सभी कामना करते हैं और भारतीय हॉकी टीम को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।